सिर्फ 5 मिनट में बनाइए भिंडी मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं। भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर भिंडी को इस तरह से छोटा छोटा करके काट लिया है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। इस तरह से कटने से अंदर का कीड़ा वगैरह भी दिख जाते हैं। साथ में हमने लिया है एक बड़ा सा प्याज, और प्याज को मैंने इस तरह से कट लिया है थोड़ा बड़ा करके, और 4-5 लहसुन की कली को चॉप कर लिया है, 3 हरी मिर्च को चॉप किया है और थोड़ी सी हरा धनिया पत्ता। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले लिया है, और कढ़ाई को पहले हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे छोटा 1 चम्मच धनिया, छोटा 1 चम्मच सौंफ, छोटा 1 चम्मच जीरा और 1 सूखा लाल मिर्च। अब हम इसे गैस को कम करके 1 से 2 मिनट तक इसे हल्का भून लेना है, जब तक कि ना मसाला से खुशबू निकले। अच्छे से भून लिया है हमने, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और मसाला को ठंडा होने देंगे। अब हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, बड़ा 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। इसमें हम डालेंगे ये प्याज, और प्याज को हमें कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, थोड़ा सा जैसे पिंकिश हो जाए तब हम प्याज को निकाल लेंगे। प्याज को मैंने करीब 1 मिनट तक फ्राई किया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए यहाँ तक ही हमें प्याज को फ्राई करना है। अब हम इसमें डालेंगे छोटा 1 चम्मच जीरा, चॉप किया हुआ लहसुन भी डाल देंगे, और लहसुन को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ना लहसुन की कलर चेंज हो जाए। हल्का फ्राई करना है इसे। लहसुन का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, मिला लेंगे। अगर आपको हींग पसंद है तो साथ में थोड़ा सा हींग डाल दें। अब हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे, सारे भिंडी हमने डाल दिया है इसमें, और भिंडी को हम गैस को कम ज़्यादा करके 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। इस तरह से अलट पलट के 2-3 मिनट फ्राई कर लेना है। तो हमने इसे 2-3 मिनट फ्राई कर लिया है, देखिए। अब हम गैस को कम कर देंगे और मसाला ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, छोटा 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ ही हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, या छोटा 1 चम्मच नमक। अच्छे से मिक्स करेंगे, और गैस को हमें लो फ्लेम में ही रखना है। अच्छे से मिला लिया है, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, मिला लेना है इसे भी। आप चाहे तो थोड़ी सी हींग भी ऐड कर सकते हो, हींग को आप गरम ऑयल में डाल दें, या तो अभी भी मिला सकते हो। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, जो मसाला हमने भुना था वो मसाला डाल देंगे, और मसाला को हम बहुत ज़्यादा नहीं पीसेंगे, थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे और मसाला ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से भिंडी में मसाला ऐड करके एक बार भिंडी मसाला खा के देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा हमने बहुत ज़्यादा मसाला ऐड नहीं किया है, और ना ही ज़्यादा ऑयल। साथ ही हम धनिया पत्ता ऐड कर देंगे, आप चाहे तो थोड़ी सी आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो, पर मैंने नहीं किया। अच्छी तरह मिला लेंगे और 1 मिनट तक इसे पकने देंगे। मसाला मिलाते जाइए और सब्जी को इस तरह से बनाते जाइए, इसको कवर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भिंडी हमारा अच्छे से पक गया है, और हमारा भिंडी फ्राई मसाला बनके तैयार हो गया है। तो ये रहा हमारा गर्मा गर्म भिंडी मसाला। फ्रेंड्स, ये सिंपल रेसिपी अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय बाय।